हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, यहाँ पे रियल मी की तरफ से हमको यहाँ पे रियल मी एक्स सेवन यहाँ पे सीरीज़ हमको देखने को मिली थी, जिसमें हमें यहाँ पे रियल मी का एक्स सेवन प्रो हमको देखने को मिला था। और यहाँ पे सबसे कमाल की बात ये है कि यहाँ पे ये 5G फ़ोन है, और भी इसमें कई सारे फीचर्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा कमाल के थे, जैसे कि यहाँ पे इसका जो प्रोसेसर है, कैमरा है, डिस्प्ले, इसमें सब कुछ काफ़ी अच्छे से यहाँ पे दिया गया था रियल मी की तरफ से। वही जगह यहाँ पे एल जी की बात करें तो यहाँ पे एल जी की तरफ से यहाँ पे एल जी विंग यहाँ पे लॉन्च हुआ था, कुछ ही दिन पहले हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो आपको जो सुवेल मोड वाला फीचर मिल जाता है, यानी कि जो डुअल डिस्प्ले वाला जो फीचर आपको देखने को मिल जाता है, कैमरे में आपको इसमें गिम्बल मोड देखने को मिल जाता है, और भी इसमें कई सारे आपको यहाँ पे कमाल कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम इन दोनों के बीच में यहाँ पे कंप्लीट क्लियर कंपैरिजन रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे रियल मी में आपको यहाँ पे दो कलर देखने को मिल जाएंगे, एक यहाँ पे मिस्टिक ब्लैक और यहाँ पे फैंटेसी। वही जगह यहाँ पे आपको एल जी में भी दो ही कलर देखने को मिलेंगे, एक यहाँ पे इल्यूजन स्काई और यहाँ पे ऑरोरा ग्रे। दोस्तों, यहाँ पे बात करें अगर फिजिकल ओवरव्यू की, तो सबसे पहले बैक पैनल की बात करते हैं तो दोनों ही में पीछे साइड आपको यहाँ पे ग्लास बैक देखने को मिल जाता है, और रियल मी में आपको यहाँ पे मैटी फिनिश देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे कुछ कुछ आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टिव डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगी। एल जी में आपको यहाँ पे कंप्लीट ग्लॉसी फिनिश देखने को मिल जाती है, और दोनों ही में हमको यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन मिल जाती है, जो कि काफ़ी मजबूत होती है। और यहाँ पे रियल मी में हमको यहाँ पे एक रियल मी की छोटी सी ब्रांडिंग देखने को मिलती है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक बड़ी सी भी एक और दूसरी हमको यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पे डेयर टू लीप की है। वही देखिए, एल जी में हमको यहाँ पे सिर्फ छोटी सी ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, और यहाँ पे रियल मी में हमको क्वाड यानी कि 4 कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे एल जी में हमको ट्रिपल यानी कि 3 कैमरे के सेटअप देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोनों ही फोन में हमको यहाँ पे कर्व एजेस देखने को मिल जाते हैं, और रियल मी में हमको यहाँ पे प्लास्टिक के फ्रेम्स देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे एल जी में हमको मेटेलिक फ्रेम्स हमको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बात करें अगर थिकनेस और वेट की, तो यहाँ पे जो थिकनेस जो है यहाँ पे रियल मी में आपको यहाँ पे थोड़ी सी कम मिलती है, यानी कि फ़ोन काफ़ी पतला होगा, 8.51 mm की आपको यहाँ पे थिकनेस देखने को मिल जाती है। वही जगह एल जी जो है इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है, आपको इसकी 10.9 mm की इसमें थिकनेस देखने को मिल जाएगी। वो आपको तब मिलेगी जब आप इसको एक नॉर्मल फ़ोन की तरह जब आप इसको यूज़ करेंगे, यानी कि सिंगल स्क्रीन में आप ये जो इसमें जो सुवेल मोड वाला जो फीचर दे रखा है उसको बिना यूज़ करें। बाकी जो वेट जो है यहाँ पे रियल मी का काफ़ी सही है, 183.7 ग्राम का आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि फ़ोन काफ़ी हल्का होगा। वही जगह एल जी विंग आपको यहाँ पे 260 ग्राम का देखने को मिल जाता है, यानी कि काफ़ी हैवी होगा। दोस्तों, यहाँ पे बात करें अगर इन द बॉक्स कंटेंट की, तो यहाँ पे आपको दोनों ही में इन द बॉक्स में बैक कवर देखने को मिल जाता है, और चार्जर जो मिलता है आपको रियल मी में आपको 65 वाट का आपको यहाँ पे चार्जर देखने को मिल जाता है, और वही जगह एल जी में आपको सिर्फ और सिर्फ 16.2 वाट का आपको खाली चार्जर देखने को मिलेगा। बाकी ईयरफोन्स हमको दोनों में देखने को नहीं मिलते, स्क्रीन गार्ड देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको यूएसबी टाइप सी वाली एक यहाँ पे आपको एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है। वही जगह यहाँ पे यूएसबी टाइप सी टू 3.5 mm ऑडियो जैक वाला एक आपको अडेप्टर देखने को मिल जाता है, क्योंकि दोनों ही में आपको यहाँ पे 3.5 mm ऑडियो जैक आपको नहीं मिलेगी, तो आपको अडेप्टर इन द बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आपको अलग से परचेज नहीं करना पड़ेगा। बाकी आपको यहाँ पे सिम ट्रे इजेक्टर पिन आपको यहाँ पे दोनों ही में देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे बैटरी की, तो यहाँ पे रियल मी में आपको जो बैटरी मिलती है वो आपको 4500 mAh की आपको मिल जाती है, एल जी में आपको सिर्फ 4000 mAh की बैटरी मिलेगी। और यहाँ पे जो चार्जिंग टाइम है यहाँ पे रियल मी में ऑफिशियली मेंशन था, ये सिर्फ और सिर्फ 35 यानी कि 35 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा 0-20%। एल जी में कोई ऑफिशियली मेंशन नहीं था, हमारा खुद का अंदाजा है, वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे बात करें अगर कैमराज की, तो यहाँ पे आपको रियल मी में और यहाँ पे एल जी में दोनों ही में आपको यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का यहाँ पे मेन कैमरा मिल जाता है, और यहाँ पे रियल मी में जो हमको कैमरा देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे सोनी का IMX यहाँ पे 686 वाला सेंसर देखने को मिल जाता है, तो ये चीज़ काफ़ी कमाल की है। लेकिन हमको रियल मी में हमको OIS देखने को नहीं मिलता, और आपको एल जी में आपको 64 मेगापिक्सल कैमरे में आपको OIS देखने को मिल जाता है, और वही जगह यहाँ पे रियल मी में आपको सिर्फ सिर्फ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलेगा, और वही एल जी में आपको यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा तो देखने को मिल ही जाता है, लेकिन आपको इसी में आपको ग्लिम्बल मोड भी देखने को मिल जाता है, तो जिससे आप जब वीडियोज़ जब शूट करेंगे तो मतलब नेक्स्ट लेवल की आपको इसमें परफॉर्मेंस मिलने वाली है। बाकी रियल मी में आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का मोनो मिल जाता है, यहाँ पे एल जी में आपको एक और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाता है। बाकी वीडियो शूट हम दोनों में 4K तक की कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे सेल्फी की बात करें तो दोनों ही में हमको यहाँ पे 32 मेगापिक्सल की मिलती है, लेकिन यहाँ पे एल जी में एक और काफ़ी कमाल का फीचर मिल जाता है, जिसमें आपको सेल्फी जो मिलती है वो आपको पॉपअप स्टाइल में मिलेगी, तो यहाँ पे ये फीचर्स काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग लगता है। वही जगह यहाँ पे दोनों ही में आप यहाँ पे फुल एच डी तक की वीडियो शूट कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे बात करें अगर डिस्प्ले की, तो यहाँ पे जो डिस्प्ले जो दे रखा है रियल मी में आपको थोड़ा सा छोटा मिलता है, 6.55 इंच का मिलता है। वही जगह एल जी में आपको यहाँ पे बेसिकली डुअल डिस्प्ले मिलते हैं, जो मेन जो डिस्प्ले है उसका साइज यहाँ पे 6.8 इंच का है, और साथ ही साथ यहाँ पे कर्व डिस्प्ले यानी कि थोड़ा सा घुमा हुआ डिस्प्ले, और यहाँ पे दोनों ही डिस्प्ले में हमको यहाँ पे फुल एच डी प्लस यहाँ पे सुपर एमोलेड देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की हमको यहाँ पे प्रोडक्शन देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे रियल मी में जो हमको स्क्रीन रिफ्रेश रेट जो देखने को मिलता है वो हमको 120Hz का देखने को मिल जाता है, यानी कि जब आप गेमिंग करेंगे तो आपकी स्क्रीन काफ़ी स्मूथ होगी। वही जगह एल जी में आपको सिर्फ और सिर्फ 60Hz का देखने को मिल जाता है, तो मतलब ठीक ठाक ये भी परफॉर्मेंस आपको दे देगा। बाकी अगर एल जी के दूसरे डिस्प्ले की बात करें तो इसका साइज़ यहाँ पे 3.9 इंच है, काफ़ी सही है, और यहाँ पे इसमें आपको यहाँ पे टाइप में फुल एच डी मिल जाता है, जो कि जी ओलेड है, यानी कि आपको इसमें ग्लास ओलेड देखने को मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पे बात करें अगर प्रोसेसर की, तो यहाँ पे जो रियल मी में जो आपको मिलता है वो आपको मीडिया टेक डायमेंसिटी 1000 प्लस
प्लस वाली आपको एक चिपसेट देखने को मिल जाती है, वजह कि यहाँ पे एल जी में आपको यहाँ पे क्वालकम स्नैपड्रैगन 765G मिल जाता है। अगर आंतुतु स्कोर की बात करें तो रियल मी के लगभग यहाँ पे 5 लाख और यहाँ पे 40,000 के आसपास आए हुए हैं, और वही जगह यहाँ पे एल जी में आपको यहाँ पे 3,20,000 या 25,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जितने ज़्यादा आंतुतु स्कोर होते हैं उतना ही अच्छा प्रोसेसर जो होता है वो मतलब परफॉर्म करेगा, उतनी अच्छी गेमिंग हैंडल कर सकता है, उतने अच्छे यहाँ पे हैवी टास्क कर पाएगा। तो यहाँ पे रियल मी का बेसिकली जो प्रोसेसर जो है वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे बात करें अगर एंड्रॉयड वर्जन की, तो यहाँ पे रियल मी में आपको रियल मी का यूआई मिल जाता है 2.0 आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एल जी में आपको एल जी का यूआई मिल जाता है, बाकी यहाँ पे रियल मी में आपको यहाँ पे एकदम लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन देखने को मिल जाता है जो कि 11 है, वजह यहाँ पे एल जी में आपको एंड्रॉइड 10 देखने को मिलेगा फिलहाल के लिए, लेकिन आने वाले दिनों में आपको एल जी तरफ से यहाँ पे अपडेट जो है एंड्रॉइड 11 का वो आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स की, तो आपको दोनों ही में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, फेस अनलॉक आपको रियल मी में मिलेगा एल जी में आपको देखने को नहीं मिलता है, वजह 3.5 mm ऑडियो जैक आपको दोनों में देखने को नहीं मिलेगी, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ब्लूटूथ वर्जन यहाँ पे दोनों में काफ़ी लेटेस्ट है, 5.1 मिल जाता है। सिम ट्रे जो है यहाँ पे रियल मी में आपको हाइब्रिड नहीं मिलती, दो ही स्लॉट मिलते हैं, एच डी कॉल का ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगा। एल जी में आपको यहाँ पे हाइब्रिड मिलता है, यानी कि आपको इसमें एच डी कॉल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। 5G दोनों ही फोन है, और यहाँ पे रियल मी में हमको यहाँ पे डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, एल जी में हमको सिर्फ सिंगल स्पीकर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एल जी में यहाँ पे जो फोन जो है ये दोस्तों यहाँ पे मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है, यानी कि आपका फोन काफ़ी मजबूत होगा। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे वेरियंट रेट की, तो दोनों में सिंगल मिलते हैं 8GB रैम 128GB की इंटरनल स्टोरेज। एल जी का फोन जब लॉन्च हुआ था तो 17,000 का था, लेकिन इस टाइम आपको सिर्फ 29,999 रुपये का देखने को मिल जाएगा, वजह कि यहाँ पे दोनों को जो बाय करने का लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ से आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने देख लिया कि अगर आपको कैमरा और लुक एंड डिज़ाइन काफ़ी अच्छा चाहिए तो आप यहाँ पे एल जी की तरफ जा सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे प्रोसेसर अच्छा चाहिए, आपको अगर गेमिंग करनी है तो आप यहाँ पे रियल मी की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये हो गया इन दोनों फोन का कंप्लीट क्लियर कंपेरिजन रिव्यू। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।